सहारा बने बेसहारों का। अल्लाह की रजा के लिए इस रमजान जकात और फितरा देने के लिए जुड़े एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ। रॉडी शीटर से कुछ पहलवान वगैरह है, बच्चों को मार के कान पे फाड़ दे के, सर फाड़ दे के, पूरा खून खून करके घर के लेडीज गए तो बीच में घर के लेडीज को भी मारे। आज एग्जाम से ना इंटर का एग्जाम लिख लेके कर लेके क्रिकेट खेलेंगे बोल के बैट बॉल खेल रहे थे घर के पास। बैट बॉल खेलते खेलते बॉल हमारा निकल के हमारा जो घर है वो घर से बाजू थोड़ा चले गया था बॉल, तो हमारे भाई जो है हमारे बॉल लेके आने कैसे गए तो उनका घर है वहाँ पर, अहमद जो नाम बोल रहे हैं उनका घर है वहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ उनका घर जी। तो बॉल उनके घर के बाजू जो जगह थी वहाँ पे गिर गया था, तो भैया हमारे लेके आने गए तो जो वो लगा क्या करे अहमद मियाँ आगे गाली गलौज शुरू कर दिए थे। दीवार कूद के गए भैया? नहीं भाई, दीवार वीवार कुछ भी कूद के नहीं गए। वीडियो अगर है तो मैं बताता हूँ था, वो पूरा एरिया खुला है उनका घर, उनके घर के बाजू सो पूरा खुला एरिया है वो। तो जैसा गए वहाँ पे उन्हें गाली गलौज करके, मैं तेगू तू मेरे को पहचानता क्या, मैं कौन हूँ मालूम तेगू, गर्दाना निकाल लेता हूँ तुम लोगों के, ऐसा कर देता हूँ हमला आराम से, मैं पुलिस वाले को भी मैनेज कर लेता हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास बोल के इतने सब तमाशे शुरू कर दे रहे थे उन्होंने। हमारे भैया बोल रहे हैं जब खाली छोटी बॉल की बात है आप इतना सब कहीं को बोल रहे हैं बोले, तो उन्हें फ़ोन करके इनको उनको इसको उसको बुला लिया भाई। उन्होंने मैक्सिमम थे 25-30 जने तो थे ना, 25-30 जने मिल के हमला हमारे भाइयों को सबको बैटों से, उन लोगों के पास चाकू भी थी शायद मेरे ख्याल से, उससे सबसे मारे हम लोग। फिर वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया था ना, उसके घर के पूरे बंडे थे, बंडे लेके हमारे घर पे मारे पूरा घर डैमेज कर दिए। लोग हुए आपके पास? हम लोग चार पांच जने हुए जख्मी। कोई लेडीज? हमारे घर के लेडीज को भी यही चीज करे, हमारे घर के लेडीज को भी ऊपर भी बंडे मारे, बोल रहे हैं जब लेडीज है थोड़ा एहतराम करो बोले, तो घर के लेडीज को भी बंडे फेंके मारे। कोई झगड़ा हुआ था क्या? कोई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, बस उनको तवंगरी थी उनकी के उन्होंने बहुत बड़े कुछ लीड कुछ है उन्होंने बोलिए भाई उनके पास बहुत पैसे है वैसे है बोल के बोले। आप लोग कितने साल थे वहाँ पर? हम लोग रिसेंटली गए वहाँ पे, रिसेंटली शिफ्ट हुए, हमारा घर हलाल में बना वहाँ पर। तो उनको कई की वो जलन थी हम वहाँ से नहीं मालूम, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे वहाँ पर। आने से कुछ एतराज जताए थे क्या पहले? नहीं भैया जताए थे भैया, हमला वहाँ पे हमला जैसे घर बनाना शुरू करे जब से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे, हर चार चार दिन को कुछ ना कुछ बोल के हमारे घर का कंस्ट्रक्शन रुकाने को देखते थे वो लोग। ठीक है जी। आज ये बल्लागोड़े नूरी नगर के इलाके में कुछ रॉडी शीटर्स है, कुछ पहलवान वगैरह है ना। मेरे छोटे भाइयों के आज एग्ज़ाम्स हुए थे, तो ना एग्ज़ाम के बाद ऊपर घर के ऊपर मैच खेल रहे थे, तो सामने अपोजिट घर के कुछ घर बन रहा हुआ, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, अनकंप्लीट घर है। तो बॉल गया तो मेरे छोटे भाई बॉल लाने गए थे, तो लेके आने में गालियाँ छोटे बच्चों को, बड़े बड़े हो ना, बड़े छोटे बच्चों को गालियाँ दे रहे हो ना, गालियाँ दे के करके, तो कुछ क्या हुआ कि मुझसे अंडरस्टैंडिंग मैं तो था नहीं वहाँ पर, और हमारे घर के कोई बड़े भी नहीं थे, तो छोटे बच्चों को मार के कान पे फाड़ दे के, सर फाड़ दे के, पूरा खून खून करके घर के लेडीज़ गए तो बीच में घर के लेडीज़ को भी मारे। एंड घर में वो लोग प्रॉपर्टी में दाखिल हो गए, कुछ बना हुआ भी नहीं है, वो इनकम्प्लीट घर है वो। बॉल गया तो बॉल ले लेके, छोटा बच्चा है वो बच्चा गया तो उसमें क्या है, छोटा बच्चा है, बॉल ले लेके बच्चा आ गया रिटर्न आगे वैसे घर के ऊपर। हम लोग का तो न्यू घर है वहाँ पे, न्यू घर के ऊपर पूरे ग्लासेस वगैरह बैठे हुए, तो अभी रिसेंटली 1 वीक हो रहा है वहाँ पे शिफ्ट हो गए, एक डेढ़ हफ्ता हो रहा बा मुश्किल। उससे पहले कुछ झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था? आप लोग उधर आने से कुछ एतराज? हमला जाने से पहले से कुछ ना कर रहे थे, अभी क्यों बोले तो बस्ती में ऐसा घर भी नहीं था, तो कर रहे थे ना पहले से घर बनने से पहले, तो छोटे बच्चों को टारगेट करके करे समझो आप खुलना। वीडियो है, मैं आपको शेयर करा वीडियो, कम से कम 25-30 जने हैं, और घर के लेडीज़ के ऊपर भी हाथ उठा ऐसे ना। अहमद नाम है एक का, शकील है जो मेन है अहमद, एंड सेकंड है जो शकील। घर किसका है जिसके घर पे बॉल गया था? घर है ही नहीं भाई, वो घर ही नहीं है वही भाई, प्रॉपर्टी किसकी है वो अहमद बोल के? घर कुछ है नहीं, दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, दीवार भी नहीं है, तो घर कैसा होता वो, खाली एक स्लैब डला हुआ है वो। वो अहमद नाम है उसका, तो उन्होंने कुछ ड्रिंक करे हुए थे, क्या थे नहीं मालूम, मेरे को भी रमज़ान है फिर भी उन्होंने ड्रिंक कर ले गए थे, क्या थे उतना आइडिया भी नहीं अपने को। कुछ नाइफ चाकू हथियार भी लाए गए थे बच्चों को मारने। कितने लोग जख्मी हैं आपके? मेरे पास से तो चार जने, चारों भी बच्चे और छोटे बच्चे, और घर में लेडीज़ को भी वीडियो भी शेयर करा देखो आप, और पूरा खून, अभी तो दो जने बेहोश भी हो गए, घर के लेडीज़ भी परेशान हो गए थे, घर के लेडीज़ परेशान हो के घर के ऊपर छत पे गए क्या हो रहा है बाहर बोल के देखे, देख के वीडियो बना रहे हैं, तो घर के लेडीज़ को भी बाहर से फतरे फेंक के मार के एकदम लोफर लैंग्वेज में बात कर रहे थे, गाली वगैरह,
इतने चीप आदमियाँ ना, रमज़ान ने कुछ नहीं क्या नहीं, उसमें भी गाली गलौज। अभी मैं बताता हूँ, अभी आप देखो वीडियो हॉस्पिटल में, अभी कंप्लेन करके MLC ले लेके आया मैं, PSA कोई भी नहीं आई, मई ले लेके मेरे भाइयों को वगैरह ले लेके आया, छोटे भाइयों को अभी ले लेके आया। ये आपको चंद्रान गुट्टा बल्लागुड़ा लगता, नूरी नगर है जी हाँ, वहाँ के कुछ रॉडी शीटर्स है बोल के सुना मैं तो लोग पहचानता भी नहीं। तो जब आप बोल रहे हैं आपकी कुछ पुरानी दुश्मनी नहीं है उनके साथ, दुश्मनी नहीं है उनके साथ, तो फिर आपका घर जो है उनको कैसा मालूम और आगे हमला कैसा करें? क्यों बोले तो बस्ती में न्यू घर हम लोग का ही है ना, बस तो वो टारगेट कर रहे थे ना, मेरे को तो आइडिया भी नहीं है, टारगेट कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था जब से कुछ रुकावट जी हाँ जी हाँ, हमला नहीं थे, मैं और हमारे भाई तो बड़े भाई बाहर रहते दुबई में, तो ना कर रहे हो पहले से, तो मैं तो रिसेंटली आया हूँ। नाम क्या है जो जख्मी है, नाम क्या है उनके? एक का नाम अली है, एक का नाम शेरियाल है, एक का नाम है हुसैन है, एक का नाम हसीब है। पूरे आपके भाई हैं? जी हाँ पूरे मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, आज तो एक का कल सॉरी फर्स्ट ईयर था उनका एग्ज़ाम, कल कंप्लीट हुआ, तो छोटे बच्चे घर के छत के ऊपर खेल रहे हैं, तो उन लोगों को टारगेट करे, उन लोगों से कितने बड़े ना 30-35 के पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम, अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।